बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम बेसिकली जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हवाले से बात करने के बाद हमने जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की थी। उसमें हमने ये बात की थी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं, और जो स्टैंडर्ड कर्व में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो इधर एडिशन के तौर पे होती हैं, सब्सट्रैक्शन की वजह से होती हैं, मल्टीप्लीकेशन या डिविजन की वजह से होती हैं। होल नंबर की डिविजन और फ्रैक्शन की डिविजन में क्या फर्क आता है वो डिस्कस किया था हमने। स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, जिसमें आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑफ एक्स दैट हैज टू बिकम जीरो। ठीक है जी, ये चीज करवा रहे होते हैं हम, और इसके साथ जो वेरियंस लगाई जा रही होती है ऑफ एक्स दैट शुड बी वन। ठीक है जी, आपको वैल्यू को किस तरह से चेंज ओवर करना है कि आपके जो जो सेंटर वैल्यू बन रही है वो आपकी जो है वो जीरो पे आ जाए और जो वेरिएंस है वो वन के इक्वल हो जाए, तो ये बेसिकली जो है स्टैंडर्डाइजेशन होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन अचीव आफ्टर स्टैंडर्डाइजिंग दिस डाटा बेसिकली इज नोन एज स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, यानी इसके बाद स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त होती है, यानी वो जो कर्व बनता है वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो कर्व आता है वो स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और वो कर्व कुछ इस तरह का होता है कि आपके पास एक कर्व सेंटर में, जैसे ये आपके पास बेल शेप का कर्व आ गया। ठीक है जी, सेंटर जो है, ये जो सेंटर है, हम पहले इसको कह रहे थे कि ये एवरेज है, जो सेंट्रल वैल्यू है दैट बिकम्स जीरो। ठीक है जी, जब इसके बाद जीरो हो जाती है तो यहाँ से आगे की तरफ जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज आनी शुरू हो जाती है, जो कि पॉजिटिव इंफिनिटी वैल्यूज तक जाती है। जबकि यहाँ पे, सॉरी ये स्क्रीन चेंज हो गई है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस साइड पे तो ये नेगेटिव वैल्यूज आती हैं एंड द ग्राफ एक्सटेंड्स फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है जी, दिस इज द स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो 68, 95 और 99.7 वाला जो रूल है वो भी एज इट इज अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है जी, नाउ दिस स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द जेड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसको हम जेड टेबल या जेड स्कोर टेबल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है ग्राफ की वो क्या है कि आपका जो एवरेज है या जो सेंटर वैल्यू है वो जीरो हो जानी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वन पे चले जानी चाहिए। दिस अचीव, अच्छा, टू अचीव दिस थिंग, ये जो आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आनी है, इसके लिए हम करते क्या है, पहली चीज ये करना है कि म्यू इज इक्वल टू जीरो करना है आपको। तो आप क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स आपको मिल रहे होते हैं जो उस डेटा के अंदर मौजूद है, अगर आपने उस डाटा को स्टैंडर्डाइज करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू, जो वाई की वैल्यू है उसको आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू या जो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है उसको एवरेज से माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, इंडिविजुअल एलिमेंट है जो कि, मतलब आपसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें, हमने 200 पेशेंट्स या 200 पार्टिसिपेंट्स का डाटा उठाया है और जो भी वैल्यूज आई हैं उन सब के बाद एक एवरेज निकलेगा। ठीक है, उस एवरेज को आपने इंडिविजुअल डाटा से, जो इंडिविजुअल जो भी स्कोर आया था तमाम पार्टिसिपेंट्स का या पेशेंट्स का, उससे एवरेज को निकाल दिया जाएगा, एवरेज माइनस कर देंगे। ठीक है जी, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए फिर फर्दर आप क्या करते हैं कि आपको ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से, जैसे हमने बात की कि इसको वन इसको होना चाहिए, तो इसके लिए फिर आप इस स्टैंडर्डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं बाय वैल्यूज। ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अब ये आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो कंप्लीट, वो क्या बन जाता है। ठीक है जी, अच्छा, अब इसके अंदर अब क्या बात हुई कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये जेड कहला रही है। ठीक है जी, तो अब अगर हम ये नोटेशन लिखते हैं, देखिए पहले हमने लिखी थी, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे इस नोटेशन को, कि जेड फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ जीरो एवरेज एंड वन स्टैंडर्ड डेविएशन।
अच्छा एग्जैक्टली यही नोटेशन जो हमने y के लिए जब की थी तो हमने क्या कहा था कि वेरिएबल y फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है जी, अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि z इज इक्वल टू y माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हम अभी यहाँ पे करके बैठे. ठीक है जी, तो अब ये हो गया. अच्छा जी, अब जब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करेंगे कि जी आपने एक्सपेक्टेड जो है एवरेज जो है वो जीरो रखा हुआ है, जब आपने स्टैंडर्डाइज नॉर्मल कर्व बनाएंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, z इज इक्वल टू y माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन, पीछे क्या रह जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z इक्वल टू y. ठीक है जी, तो दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो आपको जो वेरिएबल y है that is equal to z value. Essentially, every element of non-standardized distribution is represented in the new distribution by the number of standard deviation away from the mean. ठीक है जी, तो अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी आपके पास value आ रही है वो number of standard deviations away from the mean calculate हो रही होगी. जितनी भी दूर आ रही है वो obviously आपका जो zero है उससे कितना standard deviation दूर है वो आप देख लेंगे. ठीक है जी, तो से फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कोई बोलता है कि आपके पास जो है एवरेज जो है वो तो ऑब्वियसली जीरो ही रहना है, तो जीरो के साथ आपके पास आ रहा है तो फॉर एग्जांपल जेड इज इक्वल टू जीरो यानी म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपकी 2.3 आ रही है, तो अब आपकी क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 2.3 जेड वैल्यू, क्योंकि जीरो तो जो एवरेज है वो तो जीरो ही रहना है. ठीक है जी, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा लेकिन उसके नतीजे में आपकी जो वैल्यू है यानी जो भी जेड वैल्यू आ रही है वो बेसिकली उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है डाटा की, क्योंकि हमने ये चीज अज्यूम कर रखी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एवरेज है वो हमेशा जीरो रहेगा. ठीक है जी, अच्छा उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है कि स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस कौन सी है. जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब तक ये अच्छा खासा लार्ज नंबर ऑफ डाटा मौजूद ना हो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते. पहली चीज तो ये याद रखने वाली है कि एक तो बहुत ही एक्सटेंसिव डाटा चाहिए होता है जिसके बेस पर आप जो है वो जेड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर सकते हैं, यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर काम कर सकते हैं. अच्छा इसके अलावा ये भी है कि आप हर डाटा को जेड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं लगा सकते, वजह उसकी ये है कि तमाम डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता. ठीक है जी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब अगर आपने मतलब unwantedly normal distribution apply करते हुए data लेंगे तो हो सकता है आपके results जो है वो meaningful ना आए, आपको कोई और फिर की distribution ज़्यादा फायदा कर रही हो. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जी आपका data normally distributed है तो आप normal distribution के test लगाएंगे, otherwise आपको truthful result नहीं मिलेगा जो कि आपके जो data है उसको कोई meaning दे सके, कोई meaningful result आप इसमें से निकाल सकें. आउटलायर वैल्यूज अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेविएट करेगा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खराब हो जाएगा, नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका डाटा जो है वो फिर अगेन फायदेमंद नहीं रहेगा और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो खराब होने शुरू हो जाएंगे, आप सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं वो नहीं आ पाएंगी और आप डाटा में से कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है जी, तो उसके लिए आमतौर पर क्या होता है कि अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डाटा है, अच्छा अगेन हमारे पास जो बहुत ही जो मेजर ग्राउंड रियलिटी है वो उसको हमें सामने रखना है कि जी यू डोंट हैव दैट फाइनेंशियल काइंड ऑफ बेनिफिट ओवर इन रिसर्च फील्ड कि आपको इतना मैसिव डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है वो इतना फंड अवेलेबल नहीं होता, उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका जो डाटा है वो लिमिटेड रह जाता है और उस लिमिटेड डाटा के नतीजे में होता क्या है कि फिर वो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है वो पहला एक क्वेश्चन. दूसरा ये कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो उस पर टेस्ट कौन सा लगेगा, अगर गलती से भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया तो उसके नतीजे में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो एक और बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है जी, तो उसके लिए एक और टेस्ट है जो कि हम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आगे जाके हम करेंगे. तो वो चीज जो है वो फिर इसको केटर करती है, इस तरह की जो भी शॉर्टफॉल्स आ रहे होते हैं उनको ये चीज केटर करती है. फिलहाल के लिए जो है एक चीज जो आपको और बतानी है इसके अंदर वो ये है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है, जो हम ये तो आसान वाले फॉर्मूले को करके बैठे ना कि जी ये आपका जो है वो वाई माइनस म्यू एंड
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो एक्चुअल में जो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेट वो है, एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है, वो इस तरह की है। इंटीग्रेशन का साइन है ये ऊपर जो है, यानी बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि जैसे मैंने आपको बताया स्पैन करता है फ्रॉम प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, और जो बिल्कुल सेंटर है उसमें जीरो आ रहा होता है। सो बेसिकली ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला, इसके साथ टोटल जो प्रॉपर जो फॉर्मूला लगता है वो ये है, रेडिकल टू पाई वन डिवाइडेड बाय रेडिकल टू पाई एंड वेरियंस एक्सपोनेंट का पावर हाफ x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन द स्क्वायर। ठीक है जी, बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इस पूरी इंटीग्रेशन से जान छुड़ाने के लिए आप इसको आसान तरीका जो है वो ये क्या करते हैं कि जी z की जो वैल्यू है वो वही जो z का जो आप फॉर्मूला लगाते हैं आसान करने के लिए z टेबल से वैल्यूज देख लेते हैं जो प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। इन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को लगाकर जो प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज निकाली गई है उनको आप डाल के जो है वो फिर आप अपना जो डाटा है वो रिव्यू कर लेते हैं, और उसके लिए फिर वही जैसे हमने बात की y माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि इसका नॉर्मल फॉर्मूला है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए कि हम पहले भी इसको डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूस वेरिएबल होता है और एक रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या है? होल नंबर्स। ठीक है जी। जबकि हम जब कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करते हैं तो हम फिर उसमें डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो z डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो डेसिमल प्लेसेस रखता है, तो दैट मींस कि ये जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स रखता है अपने अंदर। अब वो किस तरह का दिखता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे सेव करा था। अच्छा, यहाँ पे जो चीज आपको बतानी है वो चूंकि ये थोड़ा सा वैसे तो बुक में ये एक सिंगल टेबल के तौर पे मिल रहा होता है आपको, मैंने चूंकि इसकी तस्वीर खींची थी तो वो बहुत ही छोटे नंबर थे और वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इसको मैंने टेबल को डिवाइड करके टू हाफ्स में इसको जो है वो मैं लेकर आई हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये जो वैल्यूज आपको जो यहाँ पे नजर आ रही है, देखिए यहाँ पे z लिखा हुआ है, अगर इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकें और ये थोड़ा सा और, हाँ ये देखिए ये क्लियर हो रहा है। अब आप ये देखिए ये जो कॉलम आ रहा है और जो ये रो आ रही है जो आपको रेड आपको मार्कर से दिखाई दे रहा होगा, ये जो दोनों हैं ये z वैल्यूज हैं। ठीक है जी। अब ये z वैल्यूज हो गई और यहाँ पे जो सेंटर के अंदर आपको जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये जो सारी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है जी। कौन कौन सी टेबल कौन सी लेवल पे क्या प्रोबेबिलिटी होती है उसके हवाले से इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं अभी आपको कुछ सम्स कराऊंगी। उस सम्स को करने के नतीजे में आपको जरा सी बात समझ में आ जाएगी। क्या है पहला सवाल हम करते हैं, अब इस टेबल को यूज किस तरह से किया जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहला सवाल लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आपके पास क्या है कि आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन है पी जेड लेस देन इक्वल टू माइनस 1.45, यू हैव टू फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी एंड देन यू हैव टू शेड द चार्ट शेड द ग्राफ। ठीक है जी। तो पहले आप क्या करोगे, आप जाओगे इसके लिए माइनस 1.45 याद रखिए वैल्यू, और ये z वैल्यू है। ठीक है। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये याद रखिएगा दो तरीकों से z के जो टेबल्स हैं उनको रीड किया जाता है, या तो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, आपको z वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अगर तो ऐसा है तो वो बिल्कुल अलग चीज हो गई, लेकिन अगर आपको जो है वो z वैल्यू गिवन है तो आप z वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, या जाइए पहली जो है याद रखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, माइनस 1.47। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर z टेबल जो कि अभी दो मिनट पहले मैंने आपको दिखाया था। हाँ जी। अब यहाँ पर आ जाइए, अब आप देखिए यहाँ पे जो z टेबल स्टार्ट हो रहा है वो माइनस 3.4 से, इसके बाद इन्फिनिटी काउंट हो जाती है, माइनस 3.4 से लेके चल रहे हैं हम इसको और ये आ रहा है यहाँ तक पहुंच के ये जीरो हो गया। ठीक है जी। माइनस जीरो और फिर ये प्लस जीरो और प्लस के बाद फिर ये प्लस की वैल्यूज जो है वो नीचे
कंटिन्यू कर रही है अगेन 3.4 तक, ठीक है जी। अब आपने इसके अंदर से वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, -1.45, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, -1.4 निकालेंगे, 1.45 है ना, तो लेकिन आपने क्या करना है, पहले 1.4 निकालना है। -1.4 के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देगा। देखिए आप यहाँ पे ये माइनस की वैल्यूज चल रही हैं सारी, माइनस की वैल्यूज में, अब एक मिनट ठहरने, मैं इसको जरा दूसरा कलर कर दूं ताकि आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इसको देख सके। देखिए जी -1.4 ये रहा, -1.4 ये रहा, ठीक है। अब आपको 4.5 चाहिए, 1.4 पे देखिए इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, ऑब्वियसली उन सबका आपने कुछ नहीं करना है, आपने -1.4 और उसके बाद फिर आप जाएंगे ऊपर, यहाँ पे देखेंगे 0.01, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 एंड 0.05, ठीक है जी। या गया तो अब आपके पास क्या बना, -1.45 कहां से बना, 0.5 ये उठाया आपने, -1.4 ये था, तो 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ठीक है जी, ये कुछ जगह बन रही है। अच्छा अब ये देख लीजिए, -1.4 की रो तो ये वाली थी और इसके बाद अब देख लें 0.5 यही है, सही। अब ये क्या हो गया, -1.4 आपने लिया कॉलम से, रो से आपने उठाया 0.05, अब ये हो गया आपका 0.1, -1.45 और वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 0.0735, ठीक है। क्या आ रही है वैल्यू, 0.0735। अब 0.0735 आप मेंशन करेंगे, आपका ये आंसर आ गया, दोबारा बता रही हूँ, 0.0735, ठीक है जी। इसके लिए आप वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, विच इज इक्वल टू जीरो, सॉरी 0.0735, ठीक है जी। ये z वैल्यू निकल के आई है आपकी किसकी, -1.45। अच्छा अब आपने इसको क्या करना है कि अब आपने बनाना है ग्राफ, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हो गया, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया, बता देते हैं। अच्छा जी अब इसके बाद आपने इसमें क्या करना है, ये देख लीजिए कि ये आपका जीरो है, ये आपका माइनस इंफिनिटी, ये आपका प्लस इंफिनिटी, क्लियर है ये बात। अच्छा अब अगर आप इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, दिस इज वन, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, ठीक है। अब आपकी ऑब्वियसली अगर अंदाजन वैसे तो हम कर रहे हैं, लेकिन से फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वली, यहाँ तक थ्री तक किया है, तो अब माइनस की वैल्यूज चल रही हैं, तो ये -1, -2, -3, -1.45 रफली कहाँ लाई करेगा, 1.5 यहाँ होगा, तो ये इसके इस साइड पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप सिंपली एक लाइन खींच के ये ग्राफ को शेड कर दीजिए, ठीक है जी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये पोर्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, P इज इक्वल टू 0.0735, ठीक है जी। ये आपका इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना होंगे, इसको दोबारा से एक दफा और क्वेश्चन नंबर टू करके देख लेते हैं आपको, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी खत्म हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ऑफ z लेस देन इक्वल टू 3.4, विच इज इक्वल टू, अभी हम फाइंड करते हैं 3.4 क्या है, पॉजिटिव साइड है, माइनस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है आपने इसके लिए पॉजिटिव साइड पे जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या आप दोबारा से अपने टेबल के ऊपर जाएंगे,
ठीक है जी, टेबल पे जा रहे हैं, ये माइनस की साइन चल रही है, और नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, और यहाँ पे आ गया 3.4। अच्छा, इधर उन्होंने मांगा है 3.4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो सेकंड जो डेसिमल प्लेस लेनी है वो 3.40 लेनी है, ठीक है, क्योंकि आगे कोई नंबर दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, 3.40 उठानी है। अब आप देख लो 3.00 का जो कॉलम है वो ये वाला है, ये नीचे तक चल के आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 3.4 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0.997, ठीक है जी। तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ 3.4 जी वैल्यू 3.4 के ऊपर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0.997, ठीक है जी। अब आपने इसमें क्या करना है, अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया आपने दोबारा से, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी है ये पूरा बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरा उठा रहे हैं यहां से लेके, यानी ये हो गया 1, ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से 1 ये माइनस में थी वैल्यूज और यहाँ पे प्लस में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब आपके पास वैल्यू आ रही है 3.4, रफली इधर तक, इधर कहीं पड़ेगा 3.4, ठीक है जी। ये यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपका 3.4 की वैल्यू आई है, उसको आप मार्क कर दें 3.4, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा एरिया अंडर द कर्व कौन सा है, ये पूरा, और इतना एरिया अंडर द कर्व रहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पी इज इक्वल टू 0.997, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू, यानी आपके पास जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो कवर हो गया, थोड़ी सी आउटलायर वैल्यू रह गई है, बाकी सारा जो एरिया है वो अंडर द कर्व आ गया, जबकि इधर माइनस वाली साइन थी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने माइनस लिया, माइनस लेने के बाद इतना हिस्सा सिर्फ अंडर द कर्व है, बाकी का पूरा जो है वो कर्व से बाहर है, ठीक है जी। ये एक तरीका होता है जहां पे आपको अगर तो जेड वैल्यू गिवन है तो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लेकिन इसमें कुछ इस तरह के सम्स भी होते हैं व्हेन यू आर गिवन विद द प्रोबेबिलिटी एंड यू हैव टू फाइंड दी जी वैल्यू। अब उसके अंदर किस तरह से होता है, जैसे ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू z एंड प्रोबेबिलिटी 0.3409। अब आपने z वैल्यू निकालनी है इस डेटा की। अब आप क्या करेंगे रैंडमली, अब ये याद रखिए कि 0.3409 है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे 3.3409, अब आप यहां से देखना शुरू करेंगे कि ये आपकी 0.34 की वैल्यू कहां पड़ रही है, और ऊपर से देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से 000 से शुरू हो रहा है और एंड के करीब जाके 999 की वैल्यूज आ रही है, ठीक है, 0.999। आपको ये मालूम है कि प्रोबेबिलिटी रेंज करती है फ्रॉम 0 to 1, तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये 0 से 1 के दरमियान की वैल्यूज हैं, ठीक है। आपको अभी इस वक्त क्या चाहिए, 0.3409 चाहिए, तो 3.3409 के लिए आप क्या करेंगे, 0.3 की जो सीरीज शुरू हो रही है वो यहां से शुरू हो रही है, 0.3 के जरिए भाई 0.3085 3050 3015, इस तरह से ये यहाँ से वैल्यू शुरू होके और ये आगे जो है 0.3 की सीरीज चल रही है। आपको क्या चाहिए, 0.3409, ठीक है जी। 34 आ गया, ये रहा 3409, ये लिखी हुई वैल्यू, ये देख रहे 0.003409, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी z वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले अगर आपने इसको मार्क कर दिया है, ये आपकी वैल्यू है 0.3409। अब यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, -0.4, z वैल्यू का जो इनिशियल पोर्शन है वो 0.4 है,
ठीक है, और सेकंड वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे ऊपर क्या क्या वैल्यू आ रही है, इस कॉलम के ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ आ रहा है 0.01, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है -0.4 और इधर से आप जो है सेकंड वैल्यू लेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी z वैल्यू इज इक्वल टू 0.41। ठीक है जी, ये आपकी z वैल्यू निकल के आएगी। और ये किस तरह से होगा, अब आप इसको ग्राफ में किस तरह से बनाएंगे, वन टू थ्री माइनस वन टू थ्री प्लस में आ गया। ठीक है, अब ये माइनस वाली साइड पे आप देख रहे हैं ये क्या वैल्यू है, ये जीरो और वन के दरमियान की वैल्यू, यानी माइनस मतलब जीरो एंड माइनस वन की साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे किस तरह से आएगा 0.4, ठीक है, तो 0.4 लगभग इधर पड़ रहा होगा। अब आप इसको यहां से एरिया मार्क करेंगे। ठीक है जी, तो इसके बाद अगर आप इसको कवर वो करते हैं, शेड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0.3409 और आपकी जो z वैल्यू है वो कितनी है -0.41। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपकी आसानी के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको जो है और थोड़ा सा बेहतर लगे। पी जी लेस देन इक्वल टू जी, अच्छा यहाँ पे ये जो लेस देन इक्वल टू की जो सम आ रहा है इस चीज की बेस पर आप शेडिंग कर रहे हैं। अगर ये ग्रेटर देन होता ना तो आप ग्रेटर वाली साइड को शेड कर रहे होते, आपको एरिया अंदर द कर्व चाहिए लेस देन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लेस देन इक्वल टू में ये एरिया कर्व होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 0.9543। चले ये मैंने एक अपनी तरफ से एक वैल्यू बनाई है 0.9543, इसको सर्च करते हैं 0.9 चल रहा है, ये 0.95 की सीरीज ऊपर आ रही है 0.95। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं आप कि 0.9515 है, फिर 0.9535 है और उसके बाद 0.9545 है। ठीक है, मेरा जो डाटा था जो मैं आपसे मांग रही थी 43 मांग रही थी, तो 43 और 45 करीब करीब यही वाला डाटा है। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप देख लेते हैं इसको, ये 0.9545 या 43, हमारा 43 था ये 45 है, तो लगभग यही वैल्यू बनेगी। तो अगर इस रो को आप पीछे ट्रेस करना शुरू करते हैं, ये रो पीछे ट्रेस हो रही है, तो ये बन रहा है 1.6, पॉजिटिव साइड पे 1.6 बन रहा है। और इस चीज को देखते हैं, अगर इसका जो कॉलम है वो ऊपर देखते हैं तो ये क्या बन रहा है 0.09, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डाटा हो गया 1.69। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे z इज इक्वल टू 1.69। ठीक है जी, एरिया अंडर द कर्व आपने मार्क करना है, वो किस तरह से करेंगे कि ये आपने ग्राफ बनाया, सेंटर में जीरो, पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है जी, आपको एरिया अंडर द कर्व लेस देन का दिखाना है, तो ये 1.69, 1, 2, 3 -1, -2, -3। ठीक है जी, अब इसमें आ रहा है 1.69, यानी लगभग 1.7, 1.5 यहाँ होता तो ये यहाँ पे 1.7 हो गया। यहां से आपने ये डाटा लिया, ये लाइन खींच दी,
लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन नहीं चाहिए। तो लेस देन का ये सारा जो ये इससे नीचे जो पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं ये इससे लेस देन में आ रही है, ठीक है जी। तो ये आपका शेडिंग एरिया कहलाएगा लेस देन का, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.9543, और आपकी z वैल्यू हो गई z इज इक्वल टू 1.69। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको ईमेल हो जाएंगे। अंदाजन एक दो सवाल मैं आपको यहीं पे लिख देती हूँ, उनको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर आपको जरा बात समझ में आ जाएगी। पहला सवाल जो मैं आपको दे रही हूँ वो है पी जेड लेस देन इक्वल टू 3.4, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, 3 पी जेड लेस देन इक्वल टू 1.9, ठीक है। ये हो गए आपके प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है। दूसरा पी जेड लेस देन इक्वल टू जी जीरो पॉइंट नाइन सेवन नाइन, ठीक है जी। पी जी ग्रेटर देन जी 0.4997, एंड 3 पी जी लेस देन इक्वल टू जी 0.984, ठीक है जी। ये सवाल हैं कुछ, इन सवालों को आप कर लीजिए। होपफुली आपको ये चीज आप बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। कोई चीज अगर समझ में नहीं आए तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।